हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वाइब्रेशन। सो इन दिस वीडियो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस इज एनवायरमेंट। तो अर्थ हैज प्रोवाइड, तो हम इधर से पढ़ रहे हैं, इधर से है ना। Earth has provided enough to fulfill everyone's need, not everyone's greed. Through this chapter, you will come to know about environment as its component natural and human-made environment and ecosystem. Okay, this is so simple. This is the condition लिखा था इधर। अब ये concept आप हमने आप लोगों के लिए बनाया है। तो first of all, meaning of environment. Total sum of all biotic and abiotic components in your surrounding is known as environment. And biotic components are human beings, animals, birds, and all plants. Abiotic components, air, water, land, light, etc. So I hope this is very clear. अब आप अपने surrounding में क्या क्या देखते हो? First of all, अगर आप एक room में बैठे हो, आप उधर देख रहे हो कि आपके पास एक bottle है, आपके पास बॉक्स, आपके पास फोन है, आपके पास, तो ये सब एबायोटिक प्लांट। और अगर आपके रूम में कुछ प्लांट्स है, अगर आपके रूम में जैसे बहुत सारे लोग बर्ड्स पालते हैं ना, आपके रूम में बर्ड्स है, कुछ आपके रूम में एनिमल्स है, पेट एनिमल्स, तो उन्हें आप किसमें कैटेगराइज करेंगे? उन्हें आप बायोटिक में करेंगे। तो अगर चलो रूम का नहीं, हम रोड का एग्जाम्पल ले, रोड में हमें कितनी सारी चीजें दिखती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोड, तो रोड हो गई एबायोटिक, बट जो हमें सन दिख रहा है, प्लांट्स दिख रहे, वो सब हो गए बायोटिक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ह्यूमन नेचुरल एनवायरनमेंट बता दूंगी, और इसके बाद मैंने एक आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, सो नेचुरल एनवायरनमेंट, एटमोसफेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब एटमोसफेयर क्या होता है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है हमारे यहाँ। मतलब हमने पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन 30% होता है, इतना परसेंट ऑक्सीजन होता है, इतना परसेंट आर्गन होता है, ऑल दैट। तो वो एटमोसफेयर में आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये चार लेयर होती है जिससे मिलकर एटमोसफेयर बनता है। एटमोसफेयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, यू कैन ऑल्सो से दिस। देन हाइड्रोस्फेयर, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। वाटर बॉडीज जितनी भी ओशन, लेक, पॉन्ड, इन सबका मिला के हमारे पास जो भी आता है वो होता है हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर, आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर एक ना सॉलिड सा क्रस्ट होता है, सॉलिड क्रस्ट, मतलब अभी जो लैंड पे हम चलते हैं वो लिथोस्फेयर होता है। नाउ बायो, बायोस्फेयर, नैरो जोन ऑफ एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, मीन्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो बायोस्फेयर है, क्योंकि यहाँ एटमोसफेयर मीन्स गैसेस भी है, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर भी है, लिथोस्फेयर मीन्स लैंड भी है। तो इन सबका मिक्सचर जो होता है उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट आर पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। ह्यूमन बीइंग अफेक्ट एंड ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय इनेक्टिंग लॉज टू सेफ गार्ड एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट एक होता है कि एक ह्यूमन एनवायरमेंट होता है, एक ह्यूमन मेड एनवायरमेंट होता है। ह्यूमन एनवायरमेंट तो अगर हमने पढ़ा, मतलब एस्पेक्ट, मतलब एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है वो ह्यूमन से बनता है, तो वो एक ह्यूमन एनवायरमेंट होता है। सोशल एंड कल्चरल, एक मतलब जो गवर्नमेंट का एक ग्रुप होता है वो भी पीपल से बनता है। हमने पढ़ा होगा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये सब। ह्यूमन बींग अफेक्ट एंड ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस। अब हम भी एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जो हम देखते हैं बिल्डिंग, रोड, ये सब हमने बताया, तो ये हम ह्यूमन बींग हम एनवायरमेंट को ऐसे अफेक्ट कर रहे हैं। और हम अफेक्टेड कैसे होते हैं कि एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आए तो हमें भी वो चेंज आता है। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स बाय इनेक्टिंग लॉज टू सेफ गार्ड एनवायरमेंट। अब ये थोड़ा सा सेफ गार्ड एनवायरमेंट के बारे में था।
अब मैं आपको इसमें है नहीं ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में बता देती हूँ. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट विच मेड बाय ह्यूमन, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, दैट इज मेड बाय द ह्यूमन. सो इट इज नोन एज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. नाउ की टर्म्स, इकोलॉजिकल सिस्टम. इकोलॉजिकल सिस्टम मीन्स अ कंपोजिट फ्रॉम अ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इंटरप्रिटेड एंड कंपल्सरी ऑफ ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ठीक है. अब इकोलॉजिकल सिस्टम मीन्स अ कंपोजिट फ्रॉम अ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स जो उसका उल्टा होता है ना, इन विच मतलब जिसमें ना सारे एलिमेंट्स और इंटरप्रिटेड सब कंपल्सरी होते हैं ईच अदर के, मतलब एक दूसरे के लिए हेल्प. ठीक है. इकोसिस्टम म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अमंग एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज रेफर्ड एज एन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम तो बहुत इजी है, मतलब म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अमंग द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. मतलब कोऑर्डिनेशन जो होता है ना हमारे फिजिकल, मतलब हम ह्यूमन ह्यूमन के बीच में या ह्यूमन ट्री के बीच में वो. अब एनवायरनमेंट इज द प्लेस पीपल थिंक एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट. मतलब जहाँ पीपल रहते हैं, थिंक, ये सब, इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. अब मैं आपके आपसे एक कुछ शेयर करना चाहूंगी, तो जस्ट वेट अ मिनट. तो मुझे आप लोगों को ये दिखाना था, ये एक फ्लो चार्ट है, ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा एज वो मेरा जो इमेज थी. तो आप बस इसको देखिए, समझिए पिक्चर्स के थ्रू. मैंने इसलिए डायग्रामेटिक है, इसलिए कॉम्पिटेंस ऑफ मतलब ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड में क्या आ गया, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, मॉन्यूमेंट, ठीक है. और फिर नेचुरल में क्या आ गया, जैसे लैंड, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. ओके, आप ह्यूमन में क्या किया, जैसे रिलीजन, जैसे देखो मैंने आपको इधर आपको दिख रहा होगा, जैसे साइंस बना दिया मैंने रिलीजन्स के, और पॉलिटिकल, मतलब ऐसे मतलब अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है ना उसे हम पॉलिटिकल ही बोलते हैं. कम्युनिकेशन मीन्स आर्मी वगैरह जो होते हैं. और एक ह्यूमन, एक ह्यूमन, ठीक है, एक ह्यूमन भी एक एनवायरमेंट हुआ ना, इंडिविजुअल. ओके, सो या दैट्स ऑल. अभी हम वर्कशीट भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वर्कशीट जो है वो भी बहुत छोटी सी है, तो चलिए हम इसकी वर्कशीट भी डिस्कस कर लेते हैं. सो गाइस, हियर वी गो फॉर आवर वर्कशीट. अब इसे आपको मतलब एक दो वर्ड में या सेंटेंस में आंसर करना है. विच आर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि मेजर कॉम्पोनेंट हमने जैसे अभी पढ़ा कि जैसे नेचुरल होता है, नेचुरल ये क्या क्या आता है, अब आप लिखना लिथोस्फेयर, मैं इधर एल लिखी स्पेस नहीं है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एच मीन्स हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर मीन्स एजिस, एंड दिस बायोस्फेयर ऑल्सो ना, बायोस्फेयर. फिर आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि नेचुरल में लैंड, वाटर, मतलब भी हो गया ना, लैंड, वाटर, एयर, मीन्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर. फिर आप ह्यूमन मेड में क्या एग्जांपल दे सकते हो कि पार्क, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ह्यूमन में आप क्या दे सकते हो, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, ऑल दैट. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड. अब ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, आपने श्योरली से आपके फोर्थ फिफ्थ क्लास में जरूर पढ़ा होगा. तो इसका आंसर है 5th June. ओके, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. ठीक है, तो ये आंसर एनसीईआरटी पे आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिथोस्फेयर. तो अभी हमने पढ़ा, तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, तो अभी हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे आंसर के थ्रू. ठीक है, लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल.
It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, rivers, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. Lithosphere is a domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of minerals. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिथोस्फीयर की डेफिनेशन लिखनी है. मतलब लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, नाउ अब वो कैसे बनी रहती है? रॉक्स और मिनरल से अफकोर्स एज इज द सॉलिड क्रस्ट, तो वो रॉक्स और मिनरल से बनी होगी, वाटर बॉडी से तो या गैस से तो बनी नहीं होगी. ठीक है, अब कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, और ये एक इरेगुलर सरफेस होता है. एज आपने देखा होगा कि हमारा लैंड मतलब एकदम प्लेन नहीं है, जैसे हम वाटर बॉडीज देखते हो कितनी प्लेन रहती है ना वाटर बॉडीज, या तो जैसे अगर हम ओशन देखें तो वो या तो सर्कल में होता है या तो वो स्क्वायर में होता है, तो वो एक उसका एक मतलब प्रॉपर सरफेस होता है. बट लैंड लिथोस्फीयर जो होता है ना उसका कोई प्रॉपर सरफेस नहीं होता कि स्क्वायर ही होगी, रेक्टेंगल ही होगी, वो इरेगुलर कुछ भी शेप की हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, पॉलीगॉन हो सकती है, हेक्सागॉन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, और अगर मैं भी हेक्सागॉन बोली तो मतलब आपको समझना जाना चाहिए ना कि फ्रांस का मतलब जो रहता है, अगर आप आपकी बाउंड्री में देखते हो तो हमें कुछ भी अलग शेप के दिखते हैं. तो चलिए हम आफ्टर टॉपिक जा रहे हैं, हम लोग इसमें होता है. ठीक है, तो मतलब इरेगुलर होता है, आपको बस इतना याद रखना है. और मतलब जैसे लैंड फॉर्म्स है तो ऑफकोर्स वो सॉलिड लैंड वो किस किस से बना है. बहुत सारे लैंड फॉर्म से बना है, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सबसे बना. और अब लिथोस्फीयर है तो उसमें कॉन्टिनेंटल होगी और ओशनिक फ्लोर्स भी होगी. ठीक है, और एक डोमेन है जिसमें हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर और सोर्स ऑफ मिनरल सब कुछ मिल जाता है. ठीक है, तो ये आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, आप अपने ओन वर्ड्स में कैसे भी करके लिख सकते हैं. व्हाट फॉर्म द इकोसिस्टम, ये भी हमें नहीं पढ़ा चाहिए, ये भी हम इसके थ्रू पढ़ लेंगे. इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, और लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल. ठीक है, अब इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि ह्यूमन ऑफ इंट्रैक्शन से बना रहता है. ठीक है, अभी हमने जैसे पढ़ा था ना कि एक इंट्रैक्शन होता है फिजिकल और केमिकल के बीच, फैक्टर्स के बीच, उसे हम मतलब उसके एनवायरमेंट में, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. और मतलब ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. ठीक है, अब इकोसिस्टम मैं आपको एक सिंपल साइंस एग्जांपल देती हूँ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम कैसे जुड़े हुए हैं हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, हम एटमॉस्फेयर से कैसे जुड़े हुए हैं, एयर के लिए जुड़े हुए. ठीक है, और वाटर बॉडीज के लिए किससे जुड़े हुए, पानी के लिए. तो कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है ना हम दोनों के बीच, अपन सब अपन दोनों के बीच में, तो वही इंट्रैक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं. और उसके एग्जाम्पल होंगे रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एक्सेट्रा. क्योंकि देखो, अब मैं आपको इसका एक एक कर दू. रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारे कितने काम में आता है, उसके अंदर ट्रीज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, एनिमल्स होते हैं, कहीं ना कहीं हमें एनिमल्स भी यूजफुल होते हैं, एज वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज को खाते हैं, तो हमारे उसमें मतलब थोड़ा सा जब वो बैक्टीरियाज का वो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो बहुत ज्यादा डिसीज फैल सकती थी. ग्रासलैंड, ऑफकोर्स ग्रासलैंड हमें फूड के लिए हेल्प करता है. माउंटेन्स भी हेल्प करते हैं हमें, लेक, रिवर, ओशन. अभी ये सब आप पढ़ रहे हैं कि माउंटेन्स किस तरह से हेल्प करते हैं, हमें आगे जाना चाहते. ठीक है, अब हाउ डज ह्यूमन बींग यूज एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर. ह्यूमन बींग कैसे एनवायरमेंट को यूज करते हैं अपने लिए फुलफिल करने के लिए. ठीक है, अब वो इम्पैक्ट इकोसिस्टम कर रहे होते हैं, तो कैसे वो हम एनवायरमेंट को यूज करते हैं वो हम बताते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड.
Early humans adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. They learned to grow crops, domesticated animals, and lead a settled life. ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, हमें जैसे जैसे नीड पड़ेगी हम वैसे वैसे एनवायरमेंट को यूज करेंगे. ठीक है, तो अब हम अर्ली ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अर्ली ह्यूमन ने कैसे अडेप्ट किया अपने आप को अपनी नेचुरल सराउंडिंग से. तो उन्होंने बहुत सिंपल सी लाइफ दी है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई एनवायरमेंट के थ्रू. ठीक है, अब नेचुरल नेचर अब उन्होंने कैसे किया कि उनके अराउंड जो नेचर है मीन्स जो उनके अराउंड बायोटिक कॉम्पोनेंट है स्पेशली लाइक हाँ बायोटिक कॉम्पोनेंट है स्पेशली ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड एक्चुअली एज क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक हंट एनिमल्स एंड दे यूज टू ईट दैट क्रॉप्स. उन्होंने क्रॉप्स उगाए और उन्होंने मतलब ऐसी सेटल्ड और फुलफिल्ड लाइफ जी है एनवायरमेंट को अपनी एक नीडफुल लाइफ बना के. ठीक है, तो या आई होप इट इज क्लियर. अगली वीडियो में हम मिलते हैं. सी यू, बाय बाय.